घर में जब कभी आपके चावल बच जाए तो उस चावल का इस्तेमाल करके गर्मियों के लिए आज मैं आपको एक ठंडी ठंडी रेसिपी बनाना बताऊंगी जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए मैंने आधा कप बचे हुए चावल लिए हैं, जो मैंने रात को जो चावल बनाए थे वो पीछे बच गए थे, वही वाला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो इस चावल को इस्तेमाल करके मैंने आपको बहुत सारी रेसिपी बताई है, पर गर्मी का मौसम है इसीलिए मैं आपको ठंडी रेसिपी बनाना बता रही हूँ। अभी इस चावल को हम मिक्सी जार में डाल देते हैं। आप अपने घर में जो भी चावल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चावल के कारण से हमारी रेसिपी है काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होगी। इसी के साथ मैंने एक कप सूजी ली है, आप अपने घर में महीन सूजी या मोटी सूजी जो भी हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इसमें डाल देते हैं। दो मैंने हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने बड़ा बड़ा तोड़ लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया जिसको भी साफ धो करके छील के मैंने बड़ा बड़ा ही काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी मैंने 3/4 कप जितना पानी लिया है ये इसमें डाल देते हैं। पानी का नाप आपको बराबर ध्यान से रखना है, यदि आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। अभी ढक्कन लगा करके हम इसे पीस लेते हैं। इस तरह से हमने पीस लिया है, इसको खोल के देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका पेस्ट बहुत अच्छा बन गया है। इस तरह से पेस्ट बन जाना चाहिए, चाहे महीन सूजी होगी या बड़ी सूजी होगी फिर भी अच्छे से पीस जाएगी इसके अंदर। अभी इस बैटर को हम बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं बैटर कितना स्मूथ बन करके तैयार हुआ है। अभी पूरे बैटर को हमने बाउल में निकाल लिया है और सूजी को सेट होने के लिए हम ढक्कन लगा करके रख देते हैं। ये 10 मिनट पर सूजी हमारी अच्छे से सेट हो जाएगी। जब तक हमारी सूजी सेट हो रही है मैंने एक कप जितना धनिया लिया है। इस धनिया के डंठल कच्चे हैं इसीलिए मैंने डंठल के साथ में लिया है, आपके डंठल पक्के हो तो आप इसे निकाल सकते हैं। दो मैंने हरी मिर्ची ली है, ये बीच में डाल देते हैं। और एक अदरक का टुकड़ा लिया है लगभग 1 इंच जितना है, इसको मैंने साफ़ धो करके काट लिया है, तो बड़ा बड़ा काट के डालने से भी चलेगा। 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने काला नमक लिया है ये बीच में डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच जितना मैंने भुना हुआ जीरा लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। और 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने सादा नमक लिया है ये भी इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने एक नींबू का रस लिया है, इसकी खटाई इसमें बहुत अच्छी लगेगी। और हमारा हरे धनिया का कलर मेंटेन रहे उसके लिए मैंने 5-6 बर्फ़ के क्यूब लिए हैं। इस पीसने के बाद में इसका कलर मेंटेन रहेगा। आप चाहे तो इसकी जगह पर पानी भी डाल सकते हैं। अभी ढक्कन लगा करके इसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा पीस करके तैयार हुआ है, इसका कलर भी एकदम ग्रीन है। देखिए अभी इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। तब तक हमारे ये गोल भी सेट हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं गोल अच्छे से सेट हो गए हैं। अभी इस गोल के अंदर आज हम कोई तरह का इनो मीठा सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से फेंटना ज़रूरी है। तो इसको इस तरह से हम फेंट लेंगे। इसी के साथ इसमें 1 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे, जीरा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इस तरह से आप फेंट लें। आप हाथ से फेंट सकते हैं, नहीं तो आपके पास विस्कर वगैरह हो तो उससे भी फेंट सकते हैं। ऐसा करने से इसके अंदर के हवा भर जाएगी जिससे हमारा नाश्ता है बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगा। इसमें गाढ़ापन हमें बिल्कुल सही लग रहा है तो इसमें कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो तो इसमें थोड़ा सा इस समय पानी डाल सकते हैं, और पतला हो गया हो तो इसमें थोड़ा सा आप सूजी डाल सकते हैं। अभी इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इस तरह से फेंट लिया है। फेंटने से काफ़ी फूल गया, देखिए काफ़ी फूल गए एकदम से। अभी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं जिससे इसका कलर भी अच्छा दिखेगा। और फेंटने के समय ये चीज़ का ध्यान रखें एक ही साइड में आप फेंटें, एक ही डायरेक्शन में फेंटें इसे। अभी इस नाश्ते को मैं 2 तरह से बना करके बताऊंगी। तो पहले तरह का नाश्ता बनाने के लिए हमने अप्पम मेकर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा घिया तेल आप लगा सकते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा लगाना है। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया। अभी गैस को चालू कर देते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसके अंदर डाल देते हैं, 1-1 चम्मच बैटर हमें डालना, ज़्यादा नहीं डालना। यदि आपको कम तेल या घी खाने का शौक है तो आप इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। ये बहुत थोड़े से घी तेल में बन करके तैयार हो जाता है। बस 1-1 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। अभी ढक्कन लगा करके इसे रख देते हैं, आँच को धीरे कर लेंगे। अभी दूसरी तरह से बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है, इसके अंदर हम छोटे छोटे इस तरह से डाल देंगे। आप हाथ से नहीं डाल पाते हैं तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं ज़्यादातर हाथ से बनाती हूँ इसलिए मैं इजीली बना पाती हूँ। अच्छे से फेंट के बनाएंगे तो फूले फूले बन के तैयार होंगे। यदि चम्मच से बनाना हो आप तो इस तरह से चम्मच में आप ले लें और इसमें डालते हैं, इजीली बन के तैयार हो जाएंगे चम्मच से भी। यदि आपको तेल के पास हाथ ले जाने में डर लगता हो तो आप इस तरह बना कर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम हल्का हल्का इसे पलट लेंगे और इसका गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब तक तेल में बड़े पक रहे हैं तब तक हमने साइड में एक बॉल के अंदर गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेने का, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितनी हींग डाल देते हैं।
तो हींग का फ्लेवर इस समय डालेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। इस पानी के अंदर भी हींग की बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब इस पानी को भी हम साइड में रख देते हैं और वापस अपन मिक्सर के अंदर देख लेते हैं। देखिए अच्छे से सूखे हो गए ऊपर से और काफ़ी फूल गए हैं। देखिए इसको अच्छे से फेंटना ज़रूरी है। अच्छे से फेंट लेंगे तो बहुत ही अच्छे फूले फूले बन के तैयार होंगे। सूखे हो जाते हैं उसके बाद में आप पलटें। आँच को आप ये ध्यान रखें, धीरे रखें, तेज आँच में नहीं बने। अभी आपको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसे ही हम पका करके तैयार कर लेंगे। जब तक अपम मेकर के अंदर पक रहा है तक तक हमारा इसका अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इसको अभी हम निकाल लेते हैं। इसका बहुत ही सुंदर कलर आ गया है देखिए, और बाहर से देखिए बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। देख कर पहचान भी नहीं पाएगा कि ये लेफ्ट और चावल से बना करके तैयार किए हैं। स्वाद में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी साइड में हमारे ये भी अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। इसको अभी हम प्लेट पर निकाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे पक गए दोनों साइड से, बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले बन के तैयार हुए हैं। इसमें हमने बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल किया, खाली एक बार थोड़ा सा ब्रश घुमाया है सब में, बस इतने तेल में ये बन करके तैयार हो गए हैं। अभी दोनों तरह के वड़े जो हमने बना करके तैयार किए हैं वो पानी में डाल देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जितने वड़े आपको खाने हैं उसी हिसाब से आप पानी में डालें। इस तरह के वड़े बना करके आप ठंडे करके फ्रिज में भी रख देंगे तो जब भी आपको खाना हो उस समय आप हल्का गुनगुना पानी के अंदर डालें और 5 मिनट रखेंगे तो बड़े आपके फ्रेश तैयार हो जाएंगे। सभी को हम पानी में डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए इसमें रखेंगे। 5 मिनट में अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएंगे। अभी इस पानी को हम साइड में रख देते हैं और एक बर्तन के अंदर मैंने 2 कप जितना दही लिया है, ये 500 ml दही है। अभी इस दही को हम फेंट लेते हैं। दही को फेंटना ज़रूरी है, ये हमारा दही गाढ़ा है इसलिए मैंने इसे टांग के नहीं लिया है। यदि आपके दही गाढ़ा नहीं हो, पतला हो, तो आप एक कपड़े के अंदर डाल करके उसे थोड़ी देर के लिए टांग दें, जिससे उसका खट्टा पानी होगा या एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। उससे दही हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। दही हमारा क्रीमी होना चाहिए। 1 छोटा चम्मच जितनी मैंने पीसी हुई शक्कर ली है ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं। यदि आप शक्कर नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, तो इसका हल्का मीठा टेस्ट अच्छा लगता है। अब इसको इस तरह से हम फेंट लेते हैं। आप देख पा रहे हैं दही का टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है। इस तरह से क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए। ऐसे टेक्सचर वाला दही है ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। बिसाइड में हमारे वड़ों को रखे हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं तो वड़े अच्छे फूल गए और वड़ों ने अच्छा पानी एब्जॉर्ब भी कर लिया है। तो आराम से आप इसे दबा करके इस तरह से निकाला, देखिए कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया इसको। ये बड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। वड़ों को इस तरह से निकाल लें आप, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो भी बाहर निकल जाएगा। जो अपम मेकर के अंदर बड़े बनाए वो भी हमारे सॉफ्ट हो गए, इसमें से भी पानी निकाल देते हैं। इसमें तो ज़्यादा तेल था ही नहीं हमारे, क्योंकि हमने बहुत कम तेल में बना करके तैयार किए थे। यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये वड़े इतने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं कोई देख के बता भी नहीं पाएगा कि वड़े आपने सूजी से और चावल से बना करके तैयार किए। ऐसे ही लग रहा है जैसे उड़द दाल से बना करके तैयार किए। अभी इन वड़ों को हम यूज़ करके ठंडा ठंडा दही वड़ा बना करके तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इन वड़ों को प्लेट में रख देते हैं। तो जितना आपको सर्व करना हो उस हिसाब से आप प्लेट में रख दें। अभी 5 वड़ों को हमने प्लेट में रख दिया। आप अपने हिसाब से वड़े ज़्यादा या कम सर्व कर सकते हैं। अभी सबसे पहले इनके ऊपर हम दही डाल देते हैं। तो दही आप देख पा रहे हैं काफ़ी गाढ़ा दही, एकदम क्रीम की तरह लग रहा दही। ऐसे दही से दही बड़े खाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी सभी वड़ों के ऊपर हमने दही डाल दिया है। अभी थोड़ी थोड़ी चटनी डाल देंगे, जो हमने धनिया की चटनी बनाई है वो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अब इसी के साथ इसके ऊपर हम इमली की चटनी डाल देते हैं। यदि आपको ज़्यादा चटनी पसंद हो इमली की ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इमली की चटनी कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मैंने पहले आपको बनाना बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम काला नमक डाल देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डालें आप, इसे सभी का टेस्ट अच्छा लगता है। और थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। आप देख पा रहे हैं बहुत ही हल्का हल्का डाल रही हूँ, इतना थोड़ा थोड़ा डालना है। कोई भी चीज़ हल्की हल्की डालते हैं तो अच्छी लगती है। अभी थोड़ी सी इसके ऊपर लाल मिर्ची डाल देते हैं। इस तरह से सर्व करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। इस तरह से हमारे बचे हुए चावल का दही वड़ा बन करके तैयार हो गया है। आप किसी को सर्व करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा ये बचे हुए चावल से दही वड़ा बना करके तैयार किया है। इस तरह के चावल और सूजी के वड़े इतने सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं कि एक बार आप अपने घर में बनाएंगे तो हर बार जब भी चावल बचेगा आपका मन यही करेगा कि गर्मियों में इस तरह के वड़े बना करके ज़रूर खाने चाहिए। एक मैं आपको और बता देती हूँ, यदि गर्मी के मौसम में आप इसे सर्व करते हैं तो थोड़ा सा आप दही को ठंडा कर लें। ठंडा दही के साथ में वड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।